गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग करेंगे व्हाट इज ट्रांसलेशन ये हमारा एस ई सी का पेपर है टू जीरो फाइव और ये बुक जो है आप लोग मार्केट में ट्राई करोगे शायद मिल जाए नहीं मिलेगी तो एनी डे यू कैन आस्क मी आई लीव इट बुक सेलर के पास में छोड़ दूंगी आप लोगों ने इसको फोटो स्टार्ट करवाना है फाइन ये सेकेंड ईयर वालों की जो इंग्लिश वाले रोल नंबर है उन्हीं के लिए ये बुक है और ये बुक जो है एक ट्राई करना मार्केट में अगर अवेलेबल होगी तो एंड लेट इटार्ड दिस बुक इट इज ऑफ एस सी सी आपका जो दूसरी वाली बुक है हम लोगों ने जो क्रिएटिव राइटिंग की है उसमें हम लोग द डार्क रूम कर रहे हैं इसको हमने अभी शुरू नहीं किया था सो so, सबसे पहले तो यू मस्ट नो वट इज ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन क्यों जरूरी है और ट्रांसलेशन क्या है सो वट इज ट्रांसलेशन एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में वी राइट सम लिटरेचर सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे वेद हैं हमारे दे आर रिटन इन संस्कृत फाइन वेदों में टू मच नॉलेज अबाउट दिस वर्ल्ड अबाउट दिस यूनिवर्स इज देयर फाइन अब वो वेद जो हैं दे कैन बी रेड बाय द पीपल हु आर वेल वर्स्ड इन संस्कृत जिनको संस्कृत आती है वही पढ़ पाएंगे सपोज दे आई एम गिवन अ बुक आई वॉन्ट बी एबल टू रीड देम फाइन लेकिन जो वैदिक संस्कृति है जो वेदों का कंटेंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड पीपल वॉन्ट टू बी एक्वेंटेड विद दम लोग उनको जानना चाहते हैं सो वॉट डू वी नीड हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ के लिए जो उन वेदों को एक ऐसी भाषा में ट्रांसलेट करे जो सपोज एक हिंदी बोलने वाला इंसान सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं वो वेद की नॉलेज चाहता है सपोज मैं चाहती हूँ या कोई और चाहता है सो वॉट डू वी नीड्स वी नीड अ पर्सन जिसको दोनों लैंग्वेज का नॉलेज हो जिसकी संस्कृत भी अमेजिंगली गुड है जिसकी हिंदी भी अमेजिंगली गुड है और अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन चाहिए तो उसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी टू गुड है सो दैट वेरी पर्सन कैन डू दिस बुक बिकॉज जब वो ट्रांसलेट करेगा एक लैंग्वेज से दूसरी में या दूसरी से तीसरी में तो जो कंटेंट है बेसिक कंटेंट है जो सोल है वेदा की वो सोल स्पॉयॉयल नहीं होनी चाहिए वो बेसिक कंटेंट स्पॉयल नहीं होना चाहिए और जो वो कंटेंट है वो एज़ इट इज़ आगे जाना चाहिए ठीक है इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ जो हिडन आइडियाज़ हैं वेदा में जो संस्कृत में लिखे गए हैं उनको हमें एक्सचेंज करना है कैसे करना है थ्रू लैंग्वेज वो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए वो ट्रांसलेटर की लैंग्वेज होनी चाहिए लेकिन उसकी जो सोल है जो वेद की सोल है वो स्पॉयल नहीं होनी चाहिए फाइन तो जो इंसान ट्रांसलेट करेगा उसको क्या नॉलेज होना चाहिए वेदा की नॉलेज संस्कृत वाली जो है संस्कृत भाषा का ज्ञान उसको होना चाहिए और साथ में उसको क्या नॉलेज होना चाहिए उसको नॉलेज होना चाहिए किस चीज़ का दूसरी लैंग्वेज का जिसमें ट्रांसलेशन करनी है तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फॉरेन लैंग्वेज के स्टडी में अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ ट्रांसलेटर जो है ये एक लिंक है एक ब्रिज है बिटवीन टू लैंग्वेजेस अगर वो लैंग्वेज को प्रॉपर यूज नहीं करता है तो वो ब्रिज ब्रेक होता है हमारा कल्चर ट्रेडिशन जो एक भाषा से दूसरी भाषा में जा सकता है वो डिस्टर्ब होता है सो so, ट्रांसलेटर का रोल जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसका रोल क्या है उसका रोल है टू ब्रिज द गैप बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स एंड नेशंस दो देशों और दो कल्चर्स के बीच में एक ब्रिज बांधना जैसे मैं आपको वेदा का एग्जाम्पल दे रही थी तो वेदा जो है हिंदू संस्कृति सभ्यता से जुड़े हुए हैं उनको अगर फॉरेन के कंटेक्स्ट में हमने लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें उस भाषा का ज्ञान होना भी ज़रूरी है सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टडी ऑफ अ फॉरन लैंग्वेज और वो रोल जो है हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है हमें एक जगह से दूसरी आ, हमारा जो नॉलेज है एक जगह से दूसरी जगह बोले जाने में हेल्प करता है लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल आपने जो है वो आ, फर्स्ट ईयर में एक कांथापुरा का रेफरेंस पढ़ा था इट वॉज़ इन योर जो आपकी डी एस सी वन जीरो थ्री बुक थी कल्चरल डाइवर्सिटी वाली उसमें एक रेफरेंस था फाइन तो उस बुक में जो आपने रेफरेंस पढ़ा था दैट डल्ट विद सेलिब्रेशन ऑफ कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मंथ के डेज का सेलिब्रेशन था वट वॉज देयर कुछ एक शब्द उसमें कैसे थे वो इटैलिक्स में लिखे थे टेढ़ा टेढ़ा करके लिखा जाता है इटैलिक्स में स्ट्रेट नहीं लिखा जाता है. स्लैंटिंग लिखा जाता है तो वो इटैलिक्स में जो वर्ड्स है वो क्या थे दे वर टेकन फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम आर ओन लैंग्वेज आपने जनरली भी देखा होगा कि जब आप बुक्स पढ़ते हो जब आप किसी ऑथर की बुक पढ़ते हो तो कुछ एक अगर उसमें डायलेक्ट के सॉरी लैंग्वेज की दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं तो दे आर स्लैंटिंग दे यारे इटैलिक्स में वो वर्ड्स रहते हैं तो एक वर्क की सोल को जिंदा रखने के लिए उस वर्क के कंटेंट को जो उसके उसका एक्चुअल जो जिस्ट है जो सारांश है जो उसके एक्चुअल बात है उसको सही रखने के लिए हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है तो उस सिर्फ भाषा ट्रांसलेशन से काम नहीं बनता हमें कल्चर ट्रेडिशन का भी पता होना चाहिए सपोज एक इंसान जो है वो क्या कर रहा है तो वो एक चर्च से रिलेटेड रिचुअल को जो है वो लिख रहा है या गुरुद्वारे से रिलेटेड रिचुअल लिख रहा है या मॉस्क या मस्जिद से रिलेटेड लिख रहा है या फिर वो मंदिर से रिलेटेड लिख रहा है या फिर वो किसी पर्टिकुलर जगह की वेडिंग से रिलेटेड लिख रहा है तो उसको उन रिचुअल्स के स्पेसिफिक वर्ड्स का पता होना चाहिए फाइन तो वो कई बार तो वो वर्ड्स ट्रांसलेट हो जाते हैं लेकिन कई बार इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रांसलेट दोज वर्ड्स तो हम क्या करते हैं हम उन वर्ड्स को वैसे ही उठाते हैं उनको लिखते हैं और साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो फॉरेन लैंग्वेज में लिख देते हैं तो वो जो चीज़ है वो हमारे कल्चर uh, को या हमारे ट्रेडिशन को या हमारे थॉट्स को वो रिटेन करके रखती है कि एक्चुअल वर्क में क्या है इसमें भी जो है वो सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज का कंसेप्ट रहता है कि एक लैंग्वेज जो है वो आपको ओरिजिनल कोई वर्क दिया गया है आपको उस लैंग्वेज से दूसरी टारगेट लैंग्वेज में जाना है तो आपको सिर्फ लैंग्वेज का जो नॉलेज होना है उसी से काम नहीं चलता है आपको आप उन दोनों भाषाओं के कल्चर और ट्रेडिशन का नॉलेज भी होना ज़्यादा जरूरी है तभी आप ट्रांसलेशन को आराम से कर पाओगे क्योंकि ट्रांसलेशन जो है मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगी इट इज़ यू नो इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन टू लैंग्वेजेस टू कल्चर्स और uh, टू uh, कंट्रीज तो एक देश से दूसरे देश में एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाना है तो नॉलेज का होना ज़रूरी है ताकि हम जब उस चीज़ को ट्रांसलेट करें उसको दूसरी भाषा में लेके जाएं तो उसकी ओरिजिनल सोल पॉइल ना हो उसका तो ओरिजिनल कंटेंट है जो लिखा जाना चाहिए वो चीज़ ख़राब ना हो और वो एज इट इज़ ही लोगों को रिसीव हो जो हम उनको देना चाहते हैं सो so, इसका हमेशा से इम्पॉर्टेंट रोल रहा है क्योंकि ये कम्युनिटी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती रही है और ये जो है वो हमारे कल्चर और इकोनमी और ज्योग्राफी और हमारी सोच को पॉजिटिवली इम्पेक्ट जो है ट्रांसलेशन का वो आता रहता है और उससे क्या होगा जो हमारा गैप पड़ता है ना कल्चर में वो जो है हमारा गैप कम होता है सो रोल ऑफ ट्रांसलेशन मैंने आपको एक छोटा सा आज वीडियो सेंड कर रही हूँ कि वाई ट्रांसलेशन इज इम्पॉर्टेंट अब आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ विच विल हेल्प यू फाइन रामायण है आपको पता है ओरिजिनल रामायण कहाँ लिखी गई है दोहा और चौपाई वगैरह की फॉर्म में लिखी गई है लेकिन फिर इट वॉज इन संस्कृत ऑल्सो संस्कृत में भी है लेकिन आज थ्रू आउट द वर्ल्ड पीपल नो वट इज महाभारत इज रिटर्न इन संस्कृत अच्छी तरह से पता है आपको लेकिन लोगों ने क्या किया उसको ट्रांसलेट किया कैसे ट्रांसलेट किया जिन लोगों को संस्कृत का नॉलेज था उन्होंने इंग्लिश का नॉलेज लिया कल्चरल ट्रेडिशन देखा इंडियन और धीरे धीरे ट्रांसलेट किया ट्रांसलेट करती बार कुछ एक चीज़ों में बदलाव भी आए जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ इसी में एग्जाम्पल मिलेगा आपको इसी पेपर में आगे जाके जो ओरिजिनल बाइबल थी ओरिजिनल बाइबल विच इज़ अ बुक ऑफ रिलीजियस बुक ऑफ क्रिश्चियंस जो क्रिश्चियंस की रिलीजियस बुक है इट वॉज रिटन इन अ डिफरेंट वे ओरिजिनल रामायणा वॉज रिटन इन ए डिफरेंट वे लेकिन बदलते वक्त के साथ जैसे जैसे हम ट्रांसलेशन करते गए हम थोड़ा 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 करके उसको मॉडिफाई करते गए क्योंकि जो चीज़ें हजारों साल पहले एग्जिस्ट कर रही थी जो लाइफ का पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा था जो सोच एग्जिस्ट कर रही थी वो आज उसको कंटिन्यू करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सो वी नीड टू चेंज चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर ये आपने पढ़ा होगा सुना भी होगा बदलाव जो है वो नेचर का लॉ है सो so, थोड़े थोड़े चेंजेस हम करते गए तो आज आप ओरिजिनल बाइबल को ट्रांसलेटेड वर्जन जो आज हम पढ़ते हैं उससे कंपेयर करोगे या ओरिजिनल रामायणा को आज की रामायणा से कंपेयर करोगे तो आपको कई चीज़ों में डिफरेंस दिखेगा व्यू पॉइंट में डिफरेंस दिखेगा सोच का डिफरेंस दिखेगा सो दैट इज समथिंग डिफरेंट जो ट्रांसलेशन में हमारे साथ जो है ऐड होती चलती है लेकिन अगर आप जो है वो क्योंकि वो चीज़ें हमारी होती हैं रियल लाइफ में अप्लाई लेकिन अगर आप नॉवेल्स की बात करोगे तो नावल्स या जो प्ले है या पोइट्री है जब इसको ट्रांसलेट किया जाता है तो हम इसको एज इट ऑलमोस्ट रखते हैं क्योंकि जो रिलीजियस बुक्स हैं हमारी वो कैसे चलती हैं दे दे आर लाइक गाइडलाइंस फॉर अस और हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं जिनको हम अपनी लाइफ में uh, जिनको हम रीड कर रहे हैं तो हमारी रीडिंग अगर इम्प्रूवड है अगर हमारा कंटेंट इम्प्रूवड है बेटर वे में एक्सप्रेस किया गया है तो हम लोग क्या करेंगे हम उन चीज़ों को उस तरह से अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे और वैसे भी अगर आप देखें तो थाउजेंड ई ईयर्स बैक वट वॉज आर लाइफ स्टाइल आपको पता है अभी का एग्जाम्पल ले लो बिफोर कोरोना वट वॉज आर लाइफ एंड नाउ ड्यूरिंग करोना वट हैजंड चेंजेस आर देयर आप उन चीज़ों को फील कर सकते हो तो इस तरह से जब हम ट्रांसलेट करते हैं चीज़ों को तो कई चीज़ों को जो है हम लोग सोल को वही रिटेन करने की कोशिश करते हैं बट लिटिल बिट ऑफ चेंजेस जो हैं वो आती हैं और वो जो ट्रांसलेशन है जो हमने ट्रांसलेट किया है एक भाषा से दूसरी भाषा में वो एक ब्रिज का काम करता है हमारे थॉट्स को कनेक्ट करने में एक दूसरे की कंट्री से और हमारी लाइफ को कनेक्ट करने में सो टुडे यू वोंट डू एनीथिंग एल्स व्हाट यू यू विल सिंपली लिसन टू दिस वीडियो और फिर इसके पेपर का कंटेंट हम प्रॉपरली स्टडी करना नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सो गुड डे